चीनी से हिमंत कुमार की रिपोर्ट। साइबर अपराधियों ने चीनिया ग्रामीण बैंक के 5 खाता धारकों के खाते से उड़ाए 2,94,618 रुपए। आप भी हो जाएं सावधान। चीनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा के 5 खाता धारक ग्राहकों के खाते से 2,94,618 रुपए साइबर अपराधी द्वारा खाते से उड़ा लिए गए हैं। 5 ग्राहकों से 1 सप्ताह से अधिक दिनों के अंदर खाते से पैसे उड़ाए गए हैं। बताते चले कि हेताड़कला निवासी चंदन कुमार साव के खाते से 26,000 रुपए, खुरीगांव निवासी अजय गुप्ता के खाते से 59,000 रुपए, चीनिया निवासी उमेश कुमार रवि के खाते से 94,818 रुपए, रानीचेरी गांव निवासी बबलू अंसारी के खाते से 1,09,000 रुपए, पाली निवासी उमेश यादव के खाते से 5,800 रुपए साइबर अपराधी द्वारा उड़ाए गए हैं। इस मामले में भुक्तभोगियों ने चीनिया थाना तथा साइबर शाखा में भी इसकी लिखित सूचना दी है। मामले में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक चीनिया के शाखा प्रबंधक शंभु शरण कुमार ने बताया कि बैंक के खाते से पैसे उड़ाए जाने की कुछ लोगों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सूचना आईटी डिपार्टमेंट को ईमेल के माध्यम से दे दी गई है तथा हम लोग आईटी डिपार्टमेंट से लगातार संपर्क में हैं। बैंक का डाटा लिंक होना संभव है या मोबाइल हैक एवं डाटा चोरी के द्वारा ये घटना हो सकती है। साइबर अपराधी द्वारा फोन क्लोन बनाने या अनऑथराइज्ड ऐप डाउनलोड या अन्य लिंक तथा ओटीपी वगैरह देने से खाते से पैसे गायब हुए होंगे। जिन व्यक्तियों के खाते से पैसे गायब हुए हैं उनके खाते को होल्ड किया गया है तथा जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है उस खाते को भी होल्ड करने के लिए संबंधित शाखा को ईमेल किया गया है। भुक्तभोगी ग्राहकों ने बताया कि मोबाइल बैंकिंग में बेनिफिशियरी एट अकाउंट हो गया है, जो बैंक के गोपनीयता के अंदर की चीज है। इस मामले में शाखा प्रबंधक ने बताया कि साइबर अपराधी द्वारा आपका मोबाइल को ही हैक कर लिया जाता है, जिससे ये घटना हुई है। बैंक का डाटा बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसे इसका डाटा लीक होना असंभव है। इस मामले में शाखा प्रबंधक ने लोगों से अपील की कि अनावश्यक कॉल से बचें तथा बच्चों को मोबाइल ना दें तथा अनऑथराइज्ड ऐप को डाउनलोड ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी तथा अपने खाता संबंधी गोपनीयता को भंग न होने दें। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी अमित कुमार से पूछे जाने पर बताया कि बैंक से खाते उड़ाए जाने के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसे साइबर थाने को सूचना दे दी गई है। उधर बैंक में इस तरह से पैसे उड़ाए जाने से झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के खाता धारकों में हड़कंप है। खाता धारकों में अन्यत्र बैंकों में अपने पैसे ट्रांसफर करने की होड़ मची है। उधर खाता धारक का कहना है कि सेव मनी आदि की गोपनीयता बैंक से ही भंग हो सकती है। खाता धारक किसी तरह मजदूरी कर 1-1 रुपए जमा करेगा और इस तरह अगर साइबर अपराधियों द्वारा बैंक से पैसे उड़ा लिए जाएंगे तो ग्राहकों का क्या हाल होगा, वे कहां पैसे को सुरक्षित महसूस करेगा। इस तरह की घटना से ग्राहकों के अंदर बैंक से विश्वास उठने लगा है तथा अपने सेव मनी को लेकर काफी चिंतित है। मौके पर जिला परिषद सदस्य बनारसी सिंह, समाज सेवी मोहम्मद फरीद ने इस तरह की घटना को काफी निंदा की है तथा इसमें बैंक को सजग रहने की बात कही तथा भुक्तभोगियों के साथ न्याय हो इसकी मांग के साइबर अपराधी के मोबाइल नंबर 9241216842 से भुक्तभोगियों के मोबाइल पर मैसेज कॉल तथा ओटीपी आए हुए थे। हालांकि भुक्तभोगी द्वारा ओटीपी नहीं बताए गए हैं, अपने आप मोबाइल हैक होकर खाते से पैसे उड़ाए गए हैं। वही भुक्तभोगी ने भी इस तरह की घटना आगे किसी के साथ ना हो इसके लिए शाखा प्रबंधक को सजग रहने की बात कही है। नाम हुआ आपका? बबलू अंसारी। घर? घर रानीचेरी। अच्छा, क्या मैटर है? मेरा 16 तारीख रात में 1,09,000 रुपया आसपास अकाउंट से कट गया। किस तरीके, किस माध्यम से कटा? मैं ओटीपी के माध्यम से। तो आप ओटीपी किसी को शेयर किए थे? नहीं, बस आता था पैसा कटता था। अच्छा, कौन सा बैंक का? ग्रामीण बैंक चीनिया। अच्छा, इसका मतलब कहीं आप आवेदन दिए थाना वगैरह में, चाहे बैंक मैनेजर के पास? अभी तो आए हैं बैंक में स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार रवि है। अच्छा, क्या मैटर है? मेरा ग्रामीण बैंक चीनिया से 94,818 रुपये कट गया। किस तारीख को? 12 तारीख। अच्छा, क्या मतलब कहीं से मैसेज वगैरह आया था? ओटीपी शेयर किए थे कहीं? क्या कोई ओटीपी, कोई मैसेज नहीं शेयर किए। अच्छा, तो कहीं आवेदन वगैरह दिए थाना में या बैंक में या मैनेजर के पास? थाना में आवेदन दिए हैं, उसका ले लिया कॉपी और बैंक में भी दिए। मैनेजर साहब क्या बोले? मैनेजर साहब बोले कि अब इसका कार्रवाई होगा आगे तक। ठीक, और अपना ऊपर शाखा को सूचित कर दिए हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता। घर? घरपुरी। आपका ही पैसा कटा है? 59,004 तारीख को 10:10। किस तरीके से पैसा कटा है? मतलब मोबाइल बैंकिंग से या भी बैंक से ओटीपी आया। अच्छा, अब अपने आप जनरेट हुआ, अपने आप कटते रहा, हम देखते रहे। ओटीपी शेयर किए थे कहीं? कोई मांग नहीं किए।
अच्छा, तो कहीं आवेदन वगैरह आप भी दिए हैं थाना? हाँ, पलामू दिए हैं, सैनिक थाना में दिए हैं, चिनिया थाना में भी दिए हैं। अच्छा, और भाई मैनेजर भी दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार साहब। आपका ही पैसा कटा है? मेरा भी कटा है, पैसा 26,000 कटा है। अच्छा, मतलब किस माध्यम से, मतलब कैसे मैसेज उसे आया था कटने के लिए? मेरे मोबाइल में मैसेज है, मैसेज टाइप करके आया, मैसेज को हमने खोला, खोलते ही मेरा 10,000 कटा, फिर मैसेज आया, फिर उस मैसेज को खोला तो तुरंत 10,000। कहीं आवेदन वगैरह दिए? आवेदन बैंक शाखा मैनेजर को दिए हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं पैसा आ जाए, और क्या चाहेंगे, और चाहेंगे कि इस तरह से किसी के साथ नहीं हो, बैंक मैनेजर अपना शाखा आगे करके मतलब कार्रवाई करें ना, कार्रवाई करें, अंकुश लगाए, अंकुश लगाए इसमें। ठीक। मेरा नाम उमेश यादव, ग्राम पाले का रहने वाला है। आपका ही पैसा कटा है? मेरा भी पैसा रविवार को कटा है। कितना? पहले मेरा 1 रुपया मेरा फोन पे में आया पैसा, मोबाइल घर पर रखा हुआ था, गए देखे, इसके बाद मेरा 6,000 रुपया कट गया, 6,000 रुपया कटा, इसके बाद फिर 6,000 कटा। अच्छा, इसके बाद मेरा पैसा वापस आ गया 12,000 रुपया। इसके बाद मेरा 3,000 पैसा कटा, तो 3,000 वापस नहीं आया शाम के, फिर दूसर का दिन फिर मेरा 2,800 रुपया कट गया, मतलब मिलाकर 58,000 रुपया। मतलब OTP वगैरह शेयर किए थे कहीं? नहीं, OTP पासवर्ड चेंज करने के लिए आ रहा था, लेकिन हमने चेंज किए। अच्छा, आप क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि भाई मेरे साथ जो हुआ है घटना घटा है, और किसी के साथ ना घटे। बैंक मैनेजर को मैं सूचना दिया, सारे कुछ इन्होंने अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। अच्छा, और हम चाहेंगे कि सभी जनता लोग को जागरूक, आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, यही कहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? बबलू अंसारी। घर? घर रानीचेरी। अच्छा, क्या मैटर है? मेरा 16 तारीख रात में 1,09,000 रुपये आसपास अकाउंट से कट गया। किस तरीके, किस माध्यम से कटा? मैं OTP के माध्यम से। तो आप OTP किसी को शेयर किए थे? नहीं, बस आता था पैसा कटता था। अच्छा, कौन सा बैंक का? ग्रामीण बैंक चीनिया। अच्छा, इसका मतलब कहीं आप आवेदन दिए हैं थाना वगैरह में, चाहे बैंक मैनेजर के पास? अभी तो आए हैं बैंक में स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार अभी है। अच्छा, क्या मैटर है? मेरा ग्रामीण बैंक चीनिया से 94,818 रुपये कट गया। किस तारीख को? 12 तारीख। अच्छा, क्या मतलब कहीं से मैसेज वगैरह आया था? OTP शेयर किए थे कहीं? क्या कोई OTP, कोई मैसेज नहीं शेयर किए। अच्छा, तो कहीं आवेदन वगैरह दिए थाना में या बैंक में या मैनेजर के पास? थाना में आवेदन दिए हैं, उसका ले लिए कॉपी, और बैंक में भी दिए। मैनेजर साहब क्या बोले? मैनेजर साहब बोले कि अब इसका कार्रवाई होगा आगे तक। ठीक, और अपना ऊपर शाखा को सूचित कर दिए हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता। घर? घर। आपका ही पैसा कटा है? 59,000 4 तारीख को 10:10। किस तरीके से पैसा कटा है, मतलब? मोबाइल बैंकिंग से, या भी बैंक से OTP आया। अच्छा, अब अपने आप जनरेट हुआ, अपने आप कटते रहा, हम देखते रह गए। OTP शेयर किए थे कहीं? कोई मांग नहीं किए। अच्छा, तो कहीं आवेदन वगैरह आप भी दिए हैं थाना? पलामू दिए हैं, सैनिक थाना में दिए हैं, चिनिया थाना में भी दिए हैं। अच्छा, और बैंक मैनेजर में भी दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार साहब। आपका ही पैसा कटा है? मेरा भी कटा है, पैसा 26,000 कटा है। अच्छा, मतलब किस माध्यम से, मतलब कैसे मैसेज उसे आया था कटने के लिए? मेरे मोबाइल में मैसेज है, मैसेज जे आ गई टाइप करके आया, मैसेज को हमने खोला, खोलते ही मेरा 10,000 कटा, फिर मैसेज आया, फिर उस मैसेज को खोला तो तुरंत 10,000। कहीं आवेदन वगैरह दिए? आवेदन बैंक शाखा मैनेजर को दिए हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं पैसा आ जाए, और क्या चाहेंगे, और चाहेंगे कि इस तरह से किसी के साथ नहीं हो, बैंक मैनेजर अपना शाखा आगे करके मतलब कार्रवाई करें ना, कार्रवाई करें, अंकुश लगाए, अंकुश लगाए इसमें। ठीक। और जिस बैंक के खाते में पैसा जमा हुआ है, उस बैंक को भी सूचना दे दिया गया है, उसमें होल्ड लगाने। इनका पैसा वही पर देखिए, मतलब संभवतः इनका जो पैसा है ये 2 चरण में कटा। एक चरण में जो कटा है वो झारखंड ग्रामीण बैंक के ही किसी खाते में गया है, वो झारखंड ग्रामीण बैंक का अपना खाता है, बैंक का अपना कमांड है, इसलिए बैंक ने उस खाते में भी होल्ड लगा दिया और इनके खाते में भी लगा दिया। आगे जो प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो पैसा वापस मिल सकता है। दूसरा जो पैसा है वो इनका शायद यस बैंक के खाता में, यस बैंक में गया है, तो वहाँ भी मेल के माध्यम से सूचना दे दिया गया है, और IT डिपार्टमेंट से लगातार संपर्क में है।
क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई की आवश्यकता है। ग्राहक की जानकारी के लिए सर, आप एक बैंक में पूरा डिटेल वो सरवा दिए, कभी निकलवा कर प्रिंट निकलवा। हम लोग सोच रहे हैं कि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम जल्द कर दें, जागरूकता प्रोग्राम, ताकि लोग डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरूक हो सके। खराब मूड का तोड़ है डांस, जैसे लीकेज का तोड़ है वॉटर समरसेबल। नल छापाकल डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप एंड सेरामिक आइटम्स के अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल के बगल में गरवा। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश।